यूएनओ के सख्त निर्देश पर सरकार द्वारा कुपोषण के शिकार गर्भवती धात्री व शिशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी नामक अति महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन सरकार की अन्य योजनाओं की तरह यह योजना भी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार का शिकार होकर अपने लक्ष्य और उद्देश्य को ठेंगा दिखाती दिख रही है। इसका जीता जागता सबूत हमारे देवघर जिला के मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत मरगोमुंडा कारो प्रखंड में पिछले 10 महीना व मधुपुर प्रखंड में 6 महीना से जिला प्रशासन द्वारा समय पर आवंटन नहीं देने से तमाम लाभुक पोषाहार से वंचित रहे, जिससे उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 10 माह से पोषाहार वितरण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रखंड से ही पोषाहार नहीं आ रहा है। ये बात सिर्फ हमारे केंद्र पर नहीं है, पूरा प्रखंड ही, पूरा मरगोमुंडा प्रखंड और कौर प्रखंड में पोषाहार कहीं नहीं दिया जा रहा है। प्रति माह पोषाहार 10,200 रुपया आता था, जिसमें से हम लोग स्कूल का बच्चा, केंद्र का बच्चा 40 है टारगेट और 10 है गर्भवती और 15 है धात्री, तो सब मिला के 10,200 हम लोग का आता था। और पोषाहार नहीं रहने के कारण हम लोग न सूखा राशन वितरण कर पा रहे हैं और न ही बच्चों को खिला पा रहे हैं, इसलिए बच्चों की उपस्थिति बहुत ही कम रहती है। इतना दिन से बंद हो गए तो हम कुलावे नहीं पार लिए, व्यवस्था नहीं कर पार लिए, गरीब आदमी ये वो कुला नहीं पार लिए तो ओकर से झटक गए बच्चा, कमजोर हो गए बच्चा। हम लोग एक उम्मीद कर लेते हैं क्या कि वहाँ से मेरा बच्चा भूखा नहीं आएगा, कुछ खा करके ही आएगा, तो हम लोग अपना घर में उसी तरह से इंतजाम करके रखते हैं। और जब साल 6 महीने के लिए आंगनबाड़ी बंद हो जाता है तो हम लोग को इंतजाम करने में बहुत ही तकलीफ हो जाता है, और उसका कारण हम लोग का बच्चा जो है जरा झटक जाता है। इसके लिए तो बहुत सेविका लोग गई थी, कई बार प्रखंड में घेराव भी की, इससे कुछ मैंने इससे कोई लाभ भी नहीं निकला। वीडियो से बातचीत किए हैं, वीडियो का घेराव किए थे, उसमें बात हो गया है, बोला कि वही आश्वासन देता है कि हो जाएगा काम, आप लोगों का हो जाएगा। अब सवाल उठता है, जब सरकार गरीबों के हित के लिए ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाती है तो उसे समय पर फंड आदि को भी आवंटन कर देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से योजना की शुरुआत हुई उस दिन से खत्म होने तक की कानूनी राशि निर्गत होनी ही है, तो फिर ऐसी अनियमितताएं क्यों, और फिर इतने दिन तक लाभुक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहे, इसका उत्तरदायी कौन। मैं मुकेश रजक, झारखंड के देवघर जिला का इंडियन हट के लिए।